मुंबई में भारी बारिश को लेकर 24 घंटे का जारी हुआ रेड अलर्ट। बीएमसी ने समुद्र किनारे हाई टाइड को लेकर जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ का बढ़ा खतरा। आईएमडी ने पालघर पुणे सातारा के लिए जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के नाशिक जिले में बाढ़ की स्थिति। सड़कें हुई जलमग्न। घरों और दुकानों में भरा बारिश का गंदा पानी। पुणे में लगातार बारिश से मची तबाही। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट किया जारी। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी। महाराष्ट्र में कुछ दिनों तक होगी आफत की बारिश। कहीं सड़कें डूबी तो कहीं घर डूबे। मुंबई के मरीन ड्राइव पर हाई टाइड देखने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़। उठी ऊंची ऊंची लहरें। लाडली बहन को लेकर उद्धव ठाकरे का शिंदे पर तंज। का सरकार घूस देकर वोट लेना चाहती है तो वहीं शिंदे गुट के नेता का जवाब। उद्धव महाराष्ट्र की महिलाओं को भिखारी मानते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बढ़ सकती है आदित्य ठाकरे की मुश्किलें। वर्ली सीट से उम्मीदवार उतार सकती है मन से। मुंबई की इमारतों में 60% घर मराठी लोगों के लिए आरक्षित हो। ठाकरे गुट ने की बड़ी मांग। अगले हफ्ते निकलने वाला है मुंबई में म्हाड़ा के 2000 घरों का विज्ञापन। दिंडोशी, गोरेगांव, विक्रोली और अनटॉप हिल के घर में लॉटरी शामिल। मुंबई को बेचना चाहते हैं सीएम एकनाथ शिंदे। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हो रही है लूट संजय राउत का बड़ा आरोप। वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर लगाम लगाने की तैयारी। बड़े संशोधन की तैयारी में मोदी सरकार। कल संसद में पेश हो सकता है बिल। मोदक सागर विहार और तुलसी ओवरफ्लो हुई। मुंबई को पानी देने वाली झीलों में 80% पानी हुआ। मुंबई में हो रही लगातार भारी बारिश। इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी। उड़ानों पर पड़ सकता है असर। कुछ हजार बाकी हो तो मुंबई वालों पर लेते हैं एक्शन। महाराष्ट्र सरकार पर बीएमसी का 10,000 करोड़ बकाया। फिर भी शांत है बीएमसी। मुंबई, नवी मुंबई समेत कई इलाकों में चिकन, मटन और शराब की दुकानों पर भारी भीड़। लगी लंबी कतारें। जोरदार तरीके से मनाई जा रही है गटारी। ठाणे के शाहपुर में गटारी मनाने गए 5 युवक कार समेत तानसा नदी में गए। एक की गई जान, एक लापता। मुंबई में सोने के दामों में कोई बदलाव नहीं। सोना 70,580 रुपए तोला तो वही चांदी 85,500 रुपए किलो। भारी बारिश के चलते लोनावाला और करजत के बीच घाट हुए ओवरफ्लो। अद्भुत तस्वीरें हुई कैद। वहीं भूसी डैम भी ओवरफ्लो के कारण हुआ बंद। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में आई तेजी। बढ़ाए गए 200 मजदूर। अप्रैल 2025 तक पूरा करने का है लक्ष्य। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। पार्टी 288 में से 120 सीटों पर लड़ने की तैयारी में। 7 अगस्त को एमवीए की मीटिंग। महाराष्ट्र सीमा पर गोवंश से भरा ट्रक पकड़ा गया। 14 गोवंश पुलिस ने किया जब्त। 3 आरोपी गिरफ्तार। ड्राइवर फरार। हॉकी क्वार्टर फाइनल में भारत की जीत। 4-2 से ग्रेट ब्रिटेन को हराया। मुंबई के 1983 बम ब्लास्ट के दोषी अबू सलीम को दिल्ली से मनमाड़ लाया गया।